आज हम बनाएंगे ना हमारे घर का मूली पालक की सब्जी। हम लोग इसमें पालक लगा के रखते, इस बार लगाए थे ना पूरा पालक के, बाहर छोड़ दिए थे तो धूप में, तो पालक के बीजा पूरा खराब हो गए। देखिए एक आध उग गए, देखिए मेथी उग गए, देखिए कितना बड़ा बड़ा एकदम ऑर्गेनिक। देखिए काट लेते और बाज़ार से अभी खरीद लिया, और इसमें ये अभी नया वाला लगाएंगे अच्छा वाला, क्योंकि हम घर में देखिए कितना अच्छा। देखिए इसको ना ऐसे काट के लेते और फिर थोड़ा सा हुआ है, देखिए इधर काट लेते। ये चिड़िया को खिलाने के काम आता बोल के इसको काट के फेंकने दिया है। मन देखिए घर का पालक देखिए दिखाते हैं, वजह से भी खरीद लिया। आज हम बनाएंगे उधर तो दिखा दिया पालक, पालक भाजी हमारा देखिए घर का, देखिए पालक कैसे होता है देखिए कितना कितना अच्छा एकदम फ्रेश धोए तो देखिए पत्ता देखिए इतना इतना स्वादिष्ट बनता है। इसका दाल भी बनाते हैं, आपको दाल बनाने के लिए दिखाएंगे अभी उसमें नया लगा के। और देखो बाजार का देखो कैसे होता है, बाजार का अच्छा नहीं होता, ये इतना स्वादिष्ट होता है क्या पता है। इतना ही निकले थे अभी, हाँ ये मूली पालक में मूली है छिलके रखे, आलू टमाटर ये तीन भी लगेंगे, और इधर भी पांच चार टमाटर कट लिए चॉप कर लिए, एक बड़ा सा प्याज इतना बड़ा सा प्याज काट लिया, अदरक लहसुन पेस्ट लगेंगे। और ये देखिए ये हमारा घर का ये बड़ी हमारा चैनल में है, ये बड़ी इतना स्वादिष्ट बनता है तो क्या बताएं, हमारा चैनल में है। देखना एक चम्मच हल्दी मिर्ची नमक और डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर है, और ये हमारा मैजिक मसाला की पाउडर धनिया जीरा भुना पाउडर है। और दिखाते हैं आपको डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। बड़ी को हम थोड़ा सा फ्राई कर लिए, देखिए इसको आप ढक के रखेंगे, देखिए इतना खुशबू निकल रहा है बड़ी से क्या बताओ आपको। रख दिए, अब इसी तेल में प्याज को डाल देंगे, हमारा घर का इतने मतलब पसंद करते हैं, चावल के साथ भी रोटी के साथ भी खाने बहुत पसंद करते हैं सबको। हाँ अब दिखाते हैं आपको ये मूली को कैसे काटते हैं, मूली छील लिए, इसका अंदर से ना एक ये मोटा वाला मूली है ना, इसलिए ये दो, अब इसको ना पतला पतला ये देखिए पतला पतला ना, ये लास्ट वाला ना ऐसे लंबा करके ऐसे काट देंगे, कहीं कहीं लंबा लंबा भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं क्या करता हूँ एक ऐसी ऐसे काट लेता हूँ, और एक फोटो लंबा लंबा काट के डाल देता हूँ, हाँ ऐसा, और एक अब इसको इतने आधा आधा उंगली काट के डाल देते हैं लंबे। आप सोचिए लंबे ना, लंबे चीज को काटने से ना सब्जी टेस्टी बनता है, ये याद रखिए। आलू को मूली को लंबे लंबे काटोगे ना तो उसमें स्वादिष्ट होता है, ये आपको टिप्स है। ये देख ऐसे लंबे रह गए, काट देते हैं।
आलू को भी ना, अभी पानी लगा हुआ आलू ना खड़ा भी निकलता है ज़्यादा ज़्यादा। ये देखिए लंबाई का, बीच से दो एक चीरा बना दिया, लंबे लंबे फिंगर वाला आलू। ये लंबे सब्जी काटने से ना बहुत स्वादिष्ट बनता है आलू, ये चीज़ ठीक है ऐसे काटने में। सबको प्याज इतना पक गया है, टमाटर के डाल दिए, मसाला डाल देंगे, मसाला डाल दिया, ये मरीच भी डाल देंगे, अब इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल के एक कटोरी पानी डाल देंगे। अब इसको पकने देंगे, बीच बीच में एक बार सब मिलाएंगे और पकने देंगे इसको तेल छूटने तक है, दिखाते हैं आपको। देखिए तेल छूटने लगा है, देखिए अब बीच बीच में ना मिला रहे हैं इसको, बस नीचे नहीं तो बढ़ जाएंगे। अब इसको भुनेंगे, अब ये जो बड़ी है ना देखो इसे तोड़ देंगे, इसका स्वाद अच्छा लगेगा। ये जो धनिया जीरा भुना पाउडर इसी में डब्बे में डाल के एक चम्मच भर के इसमें डाल देंगे। फिर इसको 5 मिनट ऐसे भून लेंगे। देखिए टमाटर कच्ची गल चुका है पूरा ग्रेवी, ग्रेवी में आप कुछ भी बना सकते हैं। अरे धनिया जीरा पाउडर हमारे चावल में भी है, इसको ओपन नहीं किया और अभी तक ओपन नहीं किया, कर देंगे इसको। इसमें क्या रहता है, 80% धनिया रहता है, 20% जीरा रहता है, और आपके पास जो भी गरम मसाला है वो गरम मसाला डाल दोगे और तेज़पत्ता 5-6 डाल दोगे, डाल के फिर उसको पहले धनिया गरम मसाला डाल के भून लोगे, भूनने के बाद आखिरी में बस जीरा को 2 मिनट डाल के फिर ऐसा करके पाउडर बना लेंगे। तो धनिया जीरा पाउडर होता है, 1000 साल पुराना पाउडर बनाता है, बंगाल में हर घर में बनता है, हर घर में रहता है ये गरम मसाला होता है। तो ये मेरे ख्याल से मेरे से हो गए तो पहले ज़माने में पहली गरम मसाला है दुनिया में। अब ये हवा मसाला आग मसाला क्या क्या बनता है, मतलब ये हर किसी घर में बनता है मसाला। हर एक हफ्ते में 15 दिन में एक एक घर एक एक पूरा डब्बा भर के पीसते हैं मसाला। देखिए दो लगा वीडियो, तेल छूटने लगा है और अब ये मूली आलू डाल देंगे। मैं ये सब्जी बहुत ज़्यादा करके बनाती हूँ, सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और क्या बोलते हैं मौसम का, आप एक समझ लीजिए मौसम का कोई सब्जी होता है ना उसको भरपूर पेट भर के खाइए। मौसम का कोई भी सब्जी हमेशा पेट भर के खाना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर को वो सब ऊर्जा हर चीज़ से सुरक्षित करते हैं। इसको पानी डाल डाल के इसको भूनेंगे 5 मिनट। ढक ढक के 5 मिनट इसको भूनेंगे ढक ढक के।
इसको पकाना तभी गलेंगे, क्योंकि मूली और पालक गलने में टाइम लगता है ना। तो इसको मिलाते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि नीचे बैठ जाएंगे टमाटर एकदम ज़्यादा ग्रेवी ग्रेवी हो गए। टमाटर तो पकाएंगे तो पक भी जाएंगे। और कुकर पकाने मत पकाना, मालूम कुकर में पकाने से 2 मिनट में तो कुकर में पक जाएंगे, मगर ये ऐसे करके पकाने से ना सब्जी का स्वाद अलग से आएगा, टेस्टी। अब मेरे स्टाइल में मूली पालक बना रहे थे, आप अपने खाए होंगे कभी, उसको ढक ढक के बताएंगे। उनके पानी सूख चुका है, अब गलने लगा है। देखिए आलू गलने लगा, और अब थोड़ा सा इसमें और पानी डाल के पकने देंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा गला हुआ सब्जी पसंद करते हैं। इसको थोड़ी पानी डाल देंगे, डाल के इसको और अच्छे से सब्जी को गलाएंगे, क्योंकि पालक डाल देंगे ना अभी, पालक तो 2 मिनट का काम है गलना। अब ये थोड़ा सा पानी को इसको सूखने देंगे, चलो पकने देंगे इसको। अब इसको पानी कम हो गए एकदम, बीच बीच में हम मिला रहे थे, पालम गल जाए। देखिए ऐसे ऐसे थोड़ा सा मैश कर देंगे, मैश करने से ना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ऐसे कर दोगे या थोड़ा सा ऐसे रखोगे, टुकड़ा टुकड़ा ना बहुत अच्छा लगता है। सब्जी का मजा ही कितना आ रहा है, बस इतना कर दिया और इतना है। अब हमारा एक पालक को डालेंगे, पालक तो पकने में टाइम ही नहीं लगता, एकदम झाड़ के पानी झाड़ के डालेंगे, थोड़ी घटने लग जाएंगे पालक। हमारे घर में हमेशा 12 महीने पालक रहता है, चिड़िया खाते हैं। इस बार क्या हुआ, बीजा बहुत ख़राब निकला बोल के इसलिए पालक हमारा हुआ नहीं। अभी लगाएंगे हमेशा, हफ्ते में तो मैं 2 बार पालक दाल बना देती हूँ। पालक मेरे स्टाइल में पालक दाल आपको सिखाएंगे। देखिए घर का कितनी स्वादिष्ट रहता है पूरी भाजी पालक दाल। ये देखिए ये टमाटर है ना, अब मौसम में ना मौसम का जो टमाटर होता है, पालक होता है, कोई भी चीज़ मौसम का भरपूर आप खाइए, बहुत सारे सारे बना खाइए, चावल से ज़्यादा ये सब्जी खाइए। हाँ ये सच में बस ढक के रखोगे बस अपने आप कहाँ गायब हो जाएंगे। देखिए पानी, देखिए कैसे पालक इतना भरा हुआ था, कहाँ गए गए। तो बेहतरीन लगता है ना खाने में, आपको क्या बताऊँ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ, और इसके साथ अचार, अचार ले लेंगे। पूरा कंप्लीट सब्जी है ये, किसी के साथ भी अच्छा है। मगर आपको हम लोग बचता है ना तो इसको पानी पूरा कम कर लेते हैं रोटी के साथ, बहुत बेहतरीन लगता है पराठा रोटी किसी के साथ भी। इसलिए मैं हमेशा ज़्यादा करके बनाती हूँ, दोनों टाइम हो जाते हैं, पसंद करते हैं इसीलिए इसको ज़्यादा बनाते हैं दोनों टाइम के लिए। अब देखिए टमाटर डालने से ना इसका इसका स्मेल अलग आता है, और इसमें स्वादिष्ट भी अच्छा बनता है। और इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दो, आधा चम्मच, आपके पास
गए तो डालो, नहीं तो नहीं डालो। इसमें तो बस थोड़ा सा और खट्टा खट्टा और अच्छा है, मौसम का टमाटर है तो खट्टा ही रहता है। आप लोग सोचोगे पहले गुड़िया गुड़िया ही जो बनाते थे, अभी गुड़िया कहाँ है, तो आप बताते हैं। मैं मेरे गुड़िया बाहर पढ़ने गए हैं तो इसलिए मैं बनाती वीडियो, इसलिए मैं बोलती हूँ, मैं ही बनाती थी, गुड़िया बोलते थे, गुड़िया बाहर पढ़ने गए, दुआ करिए। इसमें नमक डालिए, आपको जितना लगे नमक डालिए, चमक के देखते हैं। अब सोच रहे हैं मेरे स्टाइल में मेरे घर का ऐसी पालक बनाएंगे, मम्मी पालक का सब्जी। इसको 5 मिनट, इसको ऐसे आप रस्सा खाना चाहते हैं तो ऐसे रस्सा बनाइए। मैं थोड़ा सा 5 मिनट और पकाएंगे, पका के बंद कर देंगे, क्योंकि पालक ज़्यादा पिघला पिघला अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे भी अच्छा लगता है। तो हमारा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने से अच्छा लगता है, सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। देखिए सब्जी कैसा है, सोच रहे हो इतनी बेहतरीन खाने में चावल के साथ लगता है, आप सोच नहीं सकते। रोटी के साथ इतनी अच्छा लगता है।